नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं पीसीएस मंत्र में। आज वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास का तिथि क्रम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इतिहास में प्राचीन इतिहास शुरू किया, उसके दो लेक्चर हो गए हैं और बिना प्राचीन ख़त्म किए मध्य और मॉडर्न शुरू नहीं करूँगा। लेकिन आप टच में रहें चीज़ों के, एक ही चीज़ ना पढ़ दे रहे हैं, इसलिए इसका तिथि क्रम बता दे रहे हैं, जिससे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का आपके दिमाग में एक खाका बन जाएगा। जब खाका बन जाएगा तो जब पढ़ाऊँगा तो आप अच्छे से कैच कर लेंगे। और इसी में से कई बार सवाल पूछ देता है, यूपीएससी में तो पूछता ही है, पीसीएस में भी कालक्रम पूछ देता है, कौन सी घटना पहले हुई थी। एक मैंने कोड बनाया था शुरू शुरू में, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था, NCCL, एक कई बार पूछ चुका है इसलिए मुझे बनाना पड़ा। एन मतलब नॉन कोऑपरेशन और CCL, सी मतलब सिविल डिसोबीडियंस और दूसरा वाला सी जो है वो क्रिप्स मिशन और एल लीव इंडिया। तो ये चारों का कालक्रम कई बार पूछ चुका है और मेरे दिमाग में बस गया है, जब भी देखता हूँ तुरंत टिक लगा देता हूँ। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्रिप्स मिशन और लीव इंडिया। तो इस तरह से मैंने इस लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी से लेकर भारत की आज़ादी तक सारे महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम बना दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा, जिसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को बताया था मैंने, तो उसमें मैंने ये बताया था कि सन 1600 से 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनी रही। ऊपर एक स्नैपशॉट लगाया, उसको देखिए आप। और 1765 से 1858 तक व्यापार के साथ साथ इनको लोक न्याय का अधिकार भी दे दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और ये लोक न्याय का अधिकार कब दिया गया? जब कंपनी ने बक्सर की लड़ाई जीत ली 1764 में, ठीक। तो ये दो लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर पीसीएस के लिए। इनका तिथि क्रम भी पूछता है कि इस लड़ाई में कौन लीडर था, क्या उसका आउटकम था, क्या रीजन था, क्यों हारा, कौन हारा, ठीक। 1757 में प्लासी की लड़ाई जो हुई थी, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी का नेतृत्व किया था और दूसरी तरफ थे बंगाल के उस समय के नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि मीर जाफर जो सेना में शामिल था उसने दगा किया, धोखा किया, और भी धोखेबाज थे। मीर जाफर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो 1757 में प्लासी की विजय ने कंपनी की जड़ को स्थापित किया भारत में। और उसके ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें जो पहले वाली जड़ थी अब पूरी तरह से मजबूत हो गई। कंपनी का शासन भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गया मजबूती के साथ, और तब शुरू हुआ एक शोषण का लंबा दौर। 1757 प्लासी और 1764 बक्सर। तो 1757 का लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और जबकि 1764 की लड़ाई हुई थी हेक्टर मुनरो और उसके खिलाफ तीन लोग थे, उस समय के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और शहंशाह मुगलिया शाह आलम टू, तीन लोग थे। 1757 में केवल नवाब ऑफ बंगाल थे और 64 में तीन लोग थे, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शहंशाह, ठीक है। तो 1757 में जो गद्दार था मीर जाफर, वो 1764 वाले बंगाल के नवाब मीर कासिम का ससुर था, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक कैसी विडंबना है कि 1757 में जो गद्दार था जाफर, उसी के नाम से मिलता जुलता नाम एक था बहादुर शाह जफर, ठीक 100 साल के बाद, एक गद्दार और दूसरा नायक। बहादुर शाह जफर को ही नायक मानकर, उनके नेतृत्व में उनको अगुवा मानकर सैनिकों ने विद्रोह किया था 1857 का। याद करिए कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जो शोषण का दौर स्टार्ट हुआ था, वही दौर इतना बढ़ गया था कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई, ये शुरुआती क्रांति भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में। लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, इसमें निजी हित ज़्यादा थे, राष्ट्रीय हित कम थे। ना तो राष्ट्रीय लेवल पे था, ना तो राष्ट्रीय भावना थी, इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है।
इन्होंने बहादुर शाह जफर को जरूर अपना नायक बनाया था, लेकिन खुद ही बेचारा एक बूढ़ा बादशाह था, 80 साल की उम्र का बादशाह था, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। एक तरह से बस मॉरल सपोर्ट था, लेकिन चूंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं था, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में लड़ रहे थे, कोई एक यूनाइटेड सिस्टम नहीं था लड़ाई का। अब स्थापना करते हैं कांग्रेस की 1885 में। कांग्रेस एक पहला संगठन था जो कि नेशनल लेवल पर हर तरह के लोगों को अपने विचार, अपने विरोध को दर्ज करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, इसके पहले छोटे छोटे संगठन हुआ करते थे, इसके पहले संगठन हुआ करते थे, लेकिन उनका नेशनल करेक्टर नहीं था। 1885 में पहली बार कांग्रेस का निर्माण के साथ ये प्लेटफॉर्म मिला, देशव्यापी प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के स्थापना के समय जो लोग थे वो उदारवादी लोग थे, संभ्रांत परिवार से लोग थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कांग्रेस में शुरू से लेकर अंत तक जो बड़े बड़े लीडर थे ना, वो सब वकील ही थे। चाहे महात्मा गांधी हों, मोतीलाल नेहरू हों, जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे कोई और, वकील होने के नाते हर तिकड़म का अच्छे से जवाब, कानूनी जवाब देते थे कांग्रेस के लोग। ठीक, अच्छा, 1905 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने भारतीय समाज को, शुरू से इनका नियत था डिवाइड करो रूल करो, आप जानते हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से जो डिवाइड करो रूल करो का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन से 1905 में, वो चलता रहा, वो आज़ादी तक चलता ही रहा, अलग अलग इलेक्टोरेट लाकर। सबसे पहले क्या हुआ था कि 1905 में क्षेत्र को अलग कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, लालच दिया गया तरह तरह का लोगों को कि भाई पूर्वी बंगाल में रहोगे उस वहाँ अलग से तुम्हारा मुस्लिम राष्ट्र होगा, तुमको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। लालच देना और बाद में धोखा दे देना, अपनी अपने वादे को पूरा ना करना, तरह तरह की लड़ाई लड़ना, उसके बाद संधि करना, फिर लड़ाई लड़ना, फिर संधि करना, संधि का उल्लंघन, ये सब चलता रहता था। साम दाम दंड भेद हर तरह के ये सब अपनाते रहते थे। तो अपनी स्थापना के ठीक 22 साल के बाद कांग्रेस टूट गई। क्यों? क्योंकि इसमें उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट दोनों धड़ों का विचार काफ़ी अलग अलग हो गया था। कांग्रेस अपनी स्थापना के समय से ही उदारवादी थी, ये साल में एक बार दो बार मिलते थे, और जो समस्याएं होती थी उसे कॉपी पर लिख कर, कागज़ पर लिख कर बोलते थे, माय लॉर्ड ये हमारी समस्याएं हैं, कृपया इसको देखिए और जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करिएगा। बड़े सिंपल मॉडेस्ट तरीके से अपनी बात रखते थे। लेकिन 1907 में क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट बोले कि एनफ इज एनफ, इस तरह से हमें आज़ादी मिलने से रही, और इनको गोली बारूद बंदूक का भी आवाज़ सुनाना पड़ेगा। तो 1907 में जब कांग्रेस टूट गया, तब तो एक्सट्रीमिस्ट ने शुरू किया आंदोलन, तभी से शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में आंदोलन का दौर। इससे पहले आंदोलन नहीं हुआ करता, इससे पहले केवल याचिका हुई करती थी। ठीक है, 1907 में शुरू हुआ आंदोलन। 1909 में क्या हुआ कि पहली बार अलग इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया मुस्लिम के लिए। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि मेरी बरसों की मेहनत इस एक रिफॉर्म, तथाकथित रिफॉर्म ने बर्बाद कर दी, जो मैं बरसों से हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था, इसने एक झटके में मेरे प्रयास को धराशायी कर दिया। कांग्रेस शिथिल पड़ रही थी, उसका ग्रिप जो नेशन पे था वो कमज़ोर हो रहा था, और 1916 में इसी दौरान शुरू हुआ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में शुरू किया तिलक ने, और सितंबर 1916 में शुरू किया एनी बेसेंट ने। आपसी समझ से तिलक का क्षेत्र था महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस, और एनी बेसेंट का क्षेत्र था महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस को छोड़कर पूरा भारत। ठीक है, लेकिन पर्पज एक ही था इनका, और पर्पज था कि मास मूवमेंट। कांग्रेस के साथ समस्या आई थी कि साल के एक नियत समय पर ही मिलते थे लोग और ज्ञापन दिया करते थे, लेकिन होम रूल मूवमेंट ने क्या किया कि पूरे देश में 12 महीने कहीं न कहीं कोई न कोई प्रदर्शन, कोई न कोई आयोजन हुआ करता था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। 1919 में क्या हुआ कि रोलेट एक्ट आया। रोलेट कौन थे? ब्रिटिश जज थे। इसको बोलते हैं नो वकील नो दलील वाला सिस्टम। इसमें बिना किसी वारंट के, बिना कोई कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। बेसिकली इसलिए क्योंकि आपको बताया ना कि 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस टूट गई और शुरू हुआ आंदोलन का दौर। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के नाक में दम कर दिया, और इसको रोकने के लिए, इसको दमन करने के लिए 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ठीक है,
अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि प्रथम विश्वयुद्ध हो गया समाप्त, लेकिन तुर्की के खलीफा की इज्जत उस तरह से नहीं हुई जिसका ब्रिटिश शासन ने युद्ध के पहले वादा किया था। अब क्या हुआ कि उनको मानने वाले जो उनके अनुयायी थे मुसलमान भारत में, वो हो गए नाराज और शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने इसको मौका देखा। गांधी जी लंबे समय से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे थे जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट और बंगाल विभाजन आदि ने खराब कर दिया था। तो गांधी जी को ये मौका दिखा कि ये जो मुस्लिम हैं इनको चलो आप इकट्ठा करते हैं हिंदू के साथ, यही मौका है, ये बाद में मौका बार बार नहीं मिलेगा। हालांकि जिन्होंने चेताया था कि मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं को मत उभारिए आप, तो बाद में आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन गांधी जी नहीं माने और हिंदू मुस्लिम को एक करने का मौका समझकर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया है गांधी जी ने, और साथ में जोड़ दिया अपना असहयोग आंदोलन भी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो असहयोग आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश शासन को किस तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया गया था, ये पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में दो चीज़ें हुई थी, एक असहयोग आंदोलन पास हुआ था, दूसरा स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था। आगे हम देखेंगे कि पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया लाहौर अधिवेशन में 1929 में, लेकिन कलकत्ता में क्या हुआ था, स्वराज, केवल स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इनका मेन उद्देश्य ये था कि हम चुनाव लड़ेंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे, असेंबली के अंदर जाएंगे, वहाँ जाकर विरोध करेंगे, कोई भी बिल होगा पास करना, कोई भी वोटिंग होगा उसका हम खुले मन से विरोध करेंगे, कहीं भी सहयोग नहीं करेंगे। एक तरह से असहयोग आंदोलन ही था लेकिन सिस्टम के अंदर जाकर, बाहर से नहीं, जैसा गांधी जी किया करते थे। 1928 में क्या हुआ कि साइमन भारत आया। क्यों आया? 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी समीक्षा के लिए भारत आया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्यों इसका विरोध हुआ, क्यों साइमन गो बैक का नारा लगा, साइमन वापस जाओ का नारा लगा, क्योंकि इसके 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। और उसका जो फंडामेंटल रीजन ये था, ये उनकी सोच कि संवैधानिक सुधार भारतीय कर ही नहीं सकते, उनके में इतनी क्षमता नहीं है कि संवैधानिक सुधार कर पाएँ, अपना संविधान बना पाएँ, इसलिए हम करेंगे, सारे इंग्लिश लोग ही करेंगे, इसलिए 7 सदस्य जो थे ब्रिटिश थे। इसका काफ़ी देश में विरोध हुआ और इसी दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठी बरसा रहे हो, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, जो कि बाद में कालांतर में सही साबित हुआ। 1928 में क्या हुआ कि साइमन भारत आया। क्यों आया? 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी समीक्षा के लिए भारत आया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्यों इसका विरोध हुआ, क्यों साइमन गो बैक का नारा लगा, साइमन वापस जाओ का नारा लगा, क्योंकि इसके 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। और उसका जो फंडामेंटल रीजन ये था, ये उनकी सोच कि संवैधानिक सुधार भारतीय कर ही नहीं सकते, उनके में इतनी क्षमता नहीं है कि संवैधानिक सुधार कर पाएँ, अपना संविधान बना पाएँ, इसलिए हम करेंगे, सारे इंग्लिश लोग ही करेंगे, इसलिए 7 सदस्य जो थे ब्रिटिश थे। इसका काफ़ी देश में विरोध हुआ और इसी दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठी बरसा रहे हो, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, जो कि बाद में कालांतर में सही साबित हुआ। मोतीलाल नेहरू ने साइमन के इस चैलेंज को स्वीकार किया कि भारतीय संविधान अपना नहीं बना सकते, और उन्होंने प्रेस किया 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट, जिसमें तमाम पॉइंट्स थे संविधान को लेकर, उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। अच्छा, 1928 में दूसरी घटना क्या हुई महत्वपूर्ण, कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसको मेनली चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने स्थापित किया। इसके पहले इसी नाम से मिलता जुलता एक और संगठन था जिसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं था, केवल उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन 1928 में क्या हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना। इनका जो मैनिफेस्टो था उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। अब आते हैं एक साल बाद 1929 में, इसमें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके पहले कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, स्वराज का लक्ष्य था,
लेकिन लाहौर में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1930 में क्या हुआ, गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया और उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी राजी हुए लंदन जाकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो सवाल पूछता है ना कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो पूछ देगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरे में भाग लिए थे गांधी जी, पहले में नहीं गए, तीसरे में नहीं गए, ठीक है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन कोई फलदायी नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हुआ उससे कांग्रेस को। और उसी के बाद हुआ पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा, क्योंकि 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड थे, उन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले मुस्लिम के लिए था और सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए भी था, अब उसको इन्होंने ऑप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास पर भी लागू कर दिया था, और अंबेडकर ने उसका समर्थन किया था। लेकिन गांधी जी हो गए नाराज। अपने लेक्चर में मैंने बताया था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया उसमें बताया था ये सब चीज़ें, उसको आप देख लीजिएगा डिटेल में समझने के लिए। तो इस समझौते में क्या हुआ कि गांधी जी की बात मान ली गई कि अलग से इलेक्टोरेट नहीं रहना चाहिए, लेकिन पहली बार SC ST के लिए आरक्षित सीटें लागू हुई। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अनुसार कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, लेकिन बाद में उसके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं 1940 में, इसमें लाहौर में पाकिस्तान रिजर्वेशन हुआ। इसमें ये हुआ कि भाई अब अलग हम एक साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। 1940 में ये डेट पूछता है, पाकिस्तान रिजर्वेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, 1940 में लाहौर में। अच्छा, ये लाहौर का काफ़ी इंपॉर्टेंस था, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो स्थापना भी बम्बई में हुआ था और उसका पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था सॉरी, वो हुआ था लाहौर में। ढाका में 1906 में स्थापना और लाहौर में इसका पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का। अच्छा, अब 1940 में ही क्या हुआ, अगस्त का बड़ा इंपॉर्टेंस है भारतीय इतिहास में, आप कंपाइल करिएगा अपने से कि अगस्त में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, या कमेंट करिएगा, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ कि अगस्त ऑफर आया, लेकिन अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने ठुकरा दिया और शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी बाकी लोगों के राय से सहमत नहीं थे कि मास मूवमेंट किया जाए, इसलिए वो शांतिपूर्वक केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहते थे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, कोई मास मूवमेंट नहीं था, स्थापित करना चाहते थे सिर्फ, क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध होना था ना, तो गांधी जी ब्रिटिश को किसी तरह से एम्बेरस नहीं करना चाहते। अब अगस्त ऑफर में कुछ सुधार हुआ और 1922 में आया क्रिप्स मिशन। ये पूछ देता है बार बार क्रिप्स मिशन में कौन कौन से लोग थे जो कि आए थे भारत में ब्रिटेन से, तो अभी नाम डिटेल में नहीं समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे, आप देख लीजिएगा या तो अपने तरीके से। इसको गांधी जी ने बोला एक, ये तो बीते तारीख का चेक है, किसी काम का नहीं है, एक टूटते हुए बैंक का बीते तारीख का चेक है, और ये फेल हो गया क्योंकि इसमें डोमिनियन का वादा किया गया था, इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस को नामंजूर हो गया, क्योंकि हमें डोमिनियन है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था, जो कि 1929 में लाहौर में ये पारित कर दिया गया था कि हाँ, ये हमको पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और क्रिप्स मिशन फेल होने के साथ ही 8 अगस्त, बताया ना अगस्त का बड़ा इंपॉर्टेंस है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद 1945 में आते हैं, इसमें वावेल प्लान, ये शिमला में कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि जो थे तमाम, उनके बीच में कुछ समझौते करने का प्रयास हुआ, लेकिन ये फेल हो गया। वावेल प्लान जो शिमला में हुआ था 1945 में, फेल हो गया, क्योंकि जिन्ना इसी पर जोर देते रहे कि मुस्लिम के एकमात्र हितैषी और जो प्रतिनिधि हैं केवल वही हैं या मुस्लिम लीग ही है, जबकि कांग्रेस इस सहमत नहीं थी, वो बोली कि भारत में तमाम मुस्लिम हैं और बाकी भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, मुस्लिम लीग अकेली प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो लीग जो कहेगी वही मुस्लिम के हित में
अंतिम सत्य है। इसलिए ये वावल प्लान जो शिमला में हुआ था ये ठीक से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। आप बस नाम याद रखिए, कौन पहले कौन बाद में, हर चीज़ का ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं संविधान सभा और अंतरिम सरकार। संविधान सभा के जो लोग थे उसी उन्हीं लोगों में से अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अच्छा, अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार एक तरह से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सटेंशन ही था। आप याद करिए कि वायसराय का दो तरह के काउंसिल था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब बाद में इसमें जोड़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रथम भारतीय कौन था? तो मैंने उस लेक्चर में बताया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय थे। और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाद में बड़ी हो होकर बन गई थी अंतरिम सरकार। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को समझा। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, कुछ के सीधे डेट ही पूछ लेता है, कुछ का बस सीक्वेंस पूछता है, कौन घटना पहले हुई थी। NCCL आप याद रखिए कि कई बार पूछ चुका है, पहले नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, NCCL, इससे याद रखिएगा। तो एक छोटा सा प्रयास था ताकि दिमाग में एक खाका बन जाए। अब जब भी आप इतिहास पढ़िएगा ना, मॉडर्न इतिहास, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो अब इतिहास में हम ख़त्म करेंगे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद शुरू करेंगे मध्य इतिहास, और तब शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास। हालांकि आधुनिक इतिहास में अपने चैनल पर और भी लोग पढ़ा रहे हैं आधुनिक इतिहास, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो गया, मैं कंप्लीट करूँगा। तो इतिहास हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो प्राचीन इतिहास से होगा, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करेंगे और आर्यों के आक्रमण के बाद वैदिक टाइम को शुरू करेंगे, ठीक है?